सब्सक्राइब करिए केयरवेल होम्योपैथी चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केयरवेल होम्योपैथी। अगर आपने मेरे नए चैनल केयरवेल होम्योपैथी प्लस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक मेडिसिन बताऊंगी। एंटीसेप्टिक स्प्रे है ये, जिसे आप कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंटीसेप्टिक क्रीम या ऑइंटमेंट हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर कट्स, माइनर बर्न्स, इचिंग और एनी काइंड ऑफ इंजरीज। एंटीसेप्टिक फार्मूला जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ वो है बैक्सन सेप्ट एड स्प्रे। बैक्सन कंपनी का प्रोडक्ट है ये, बहुत इफ़ेक्टिव है एंड इजी टू यूज़ है। बैक्सन सेप्ट एड स्प्रे एक लोकल एंटीसेप्टिक वॉश है विथ पंप एक्शन, जो कि कट से, चोट से, घाव से, डर्ट और डस्ट को रिमूव करता है और साथ में रैपिड हीलिंग को प्रमोट करता है। इसमें नेचुरल होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस हैं। बैक्सन सेप्ट एड स्प्रे को आप कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की चोट में ये हेल्पफुल है, इसके बारे में बात करते हैं आप। तो सबसे पहले माइनर कट्स, मतलब छोटे मोटे कट्स लग जाने पर, या खरोच एंड स्क्रैप्स और छिल जाने पर यूज़ कर सकते हैं आप इसे, स्पेशली इन चिल्ड्रेन। चोट जो लग जाती है खेलते वक्त, गिर जाते हैं बच्चे या साइकिल से गिर जाते हैं, तो स्पेशली नी में, एल्बो में, जो भी खरोच वाली चोटें होती हैं तो वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इन बर्न एंड स्टिंग्स। माइनर बर्न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है ये स्प्रे। इन्फ्लामेशन को रोकता है ये और ठीक करता है इन्फेक्शन को। इसे स्टिंग्स पर भी यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब अगर बी ने काट लिया है जिसकी वजह से पेन, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी ये एंटीसेप्टिक स्प्रे बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसे सुपरफिशियल इरप्शंस पर भी यूज़ किया जा सकता है, स्किन की ऊपरी लेयर में कोई इरप्शन हो गए, लाइक मैक्यूल रेडनेस है, या फिर पस फिल्ड इरप्शंस है, फोड़े फुंसी हैं, बार बार फोड़े होते हैं स्किन में, तो उसके लिए भी आप ये एंटीसेप्टिक स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं अब इसकी, तो इसका जो फर्स्ट कंटेंट है इसमें वो है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर। होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉप रैंक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है कैलेंडुला। इट हैज़ अ रिमार्केबल हीलिंग एजेंट। कैलेंडुला हर प्रकार की चोट और इंजरी में बहुत असरकारक है, जैसे ओपन वुंड्स, ब्रूजेस, कट्स एट्सेट्रा। सुपरफिशियल बर्न्स के लिए भी यूज़ किया जाता है इसे। हीलिंग को प्रमोट करती है कैलेंडुला और इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। एज अ लोकल ड्रेसिंग एजेंट होम्योपैथी में हम कैलेंडुला को यूज़ करते हैं। सेकेंड मेडिसिन है एचिनेशिया मदर टिंचर। एचिनेशिया बाइट्स एंड स्टिंग्स के लिए, मतलब किसी भी कीड़े के काट जाने पर या फिर मधुमक्खी के काट लेने पर, बी स्टिंग्स के लिए और उसके कारण से होने वाले जो इरिटेशन है उसके लिए लीडिंग मेडिसिन है। फोड़े फुंसी को जल्दी ठीक करने में हेल्प करती है एचिनेशिया। एंड नेक्स्ट कंटेंट जो है इसमें वो है क्रियोसोट। क्रियोसोट स्मॉल वुंड्स में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली वो वुंड्स जो इजीली फ्रीली ब्लीड करते हैं, जिनसे ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्रियोसोट बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हुए इसके कंटेंट। अब बात करते हैं कि बैक्सन सेप्ट एड आपको यूज़ कैसे करना है इस स्प्रे को। तो बहुत सिंपल है, स्प्रे है तो आपको कंटेनर को अफेक्टेड एरिया से 2 इंचेस दूरी पर रख के लाइटली स्प्रे करना है। स्प्रे एंटिल द होल अफेक्टेड एरिया इज़ कवर्ड विथ मेडिसिन। दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है आपको ये, जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है ये, आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ये healthmug.com पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। इसकी मार्केट प्राइस 65 to 70 rupees है लगभग। मस्ट हैव एंटीसेप्टिक स्प्रे है ये, जो कि ईजी टू यूज़ है, आपको फिंगर या कॉटन से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसे, जस्ट स्प्रे इट एंड इट्स डन। तो आप ज़रूर इसे अपने घर पर रखें और माइनर वुंड्स और इंजरीज पर यूज़ करिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और यूज़फुल लगा है। इफ़ यू लाइक डिट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।